भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो जिंदगी में भविष्य में कभी वोट ना दें, को पूरा हरवाने की कोशिश करें, चाहे किसी को भी जितवाएं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार है इनको तो बिल्कुल हरवाने की कोशिश करें, और इनके जो हमारे एमपी और एमएलए हैं उनका घेराव करें यदि वो गांव में आते हैं। यहाँ पुलिस बल आया था, पुलिस बल ने आके हमारा टेंट उतरवा दिया, सारा काम कर दिया। हाँ जी, आपको बंद कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, इसे उतरवाइए। इंस्पेक्टर सेना, इंस्पेक्टर सेना ने मुझसे खुद बोला कि यदि आपने 13-14 आदमियों से ज्यादा बुला लिए तो मैं आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखूंगा। अभी तो ज्यादा है, तो 15-20 तो बुला रहा था, कुर्सियां लगा रहा था, उसको थाने में बुलाकर धमकाना, उसको अंदर करने की धमकी देना और टेंट उखाड़ देना और हमारे लोगों को इधर उधर से धमकियां दिलाना और हमारे इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनको धमकाना, उनकी छुट्टी कैंसिल करना। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन। लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का जबरदस्त भाषण था। परिवारजनों नए टर्मिनोलॉजी के साथ लाल किला पर आए हैं। हम लोग अभी सयाना गांव, बुलंदशहर जिला, सराय, लौंगा सराय उस गांव में है। इतिहास में हमने दो स्तंभ सुने थे, अशोक स्तंभ और भीमा कोरे गांव स्तंभ। यहां पे एक और स्तंभ बना है जिसे कहते हैं बहुजन क्रांति स्तंभ। आजादी परिवार जनों, आजादी के दिन यहां पे इस गांव के दलित पिछड़े जितने समुदाय के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग यहां आज आजादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन प्रशासन ने, एसडीएम और एसएचओ ने यहाँ पे टेंट उखड़वा दिए, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। हम लोग सब दिल्ली और सुरेश माने साहब तो नागपुर से आए हैं और कई जौनपुर से हमारे साथी आए थे, कहाँ चले गए, वो सब कई जगह से लोग आए हैं। डीजीपी साहब यहाँ पे हैं, पृथ्वीराज जी, सब लोग दूर दराज से आए हैं और यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तो ये मोदी साहब के पास ये जरूर वीडियो पहुँचाइएगा कि क्या आपके परिवारजनों में यहाँ के दलित पिछड़े नहीं है कि जिनको आज़ादी का महोत्सव नहीं मनाने दिया, क्या कार्यक्रम था, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ रूपाराम जी हैं, माने साहब हैं, पृथ्वीराज जी हैं, सब दिल्ली से आए हैं पृथ्वीराज जी, और रूपाराम जी यहाँ के अध्यक्ष हैं। जी जी, रूपाराम जी, मैं इसी गांव का रहने वाला, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो क्या था बताइए, अब जरा दोस्तों को बताइए। देखिए, हमारे गांव में सेकंड भी जो सैटरडे होता है नवंबर के महीने में, उसमें का हम आयोजन करते हैं कि जितने भी हमारे बाहर गांव के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, किसी भी, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जो काम कर रहे हैं, तो उन्हें नवंबर के महीने में हम सेकंड सैटरडे को सारे लोगों को बुलाते हैं। तो इस बार भी हमने नवंबर के महीने में उन लोगों को बुलाया था और दो दिन का प्रोग्राम होता है और कई साल से चलता है, उसका नाम रखा हमने चलो गाँव की ओर। ये था कि हमें शासन आदेश था कि इसमें प्रधानमंत्री का भी आह्वान है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर संस्थान पर तिरंगा होना चाहिए, हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा होना चाहिए, प्राइवेट बिल्डिंग पर तिरंगा होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने यहाँ पे जो है झंडे का आयोजन किया करने का जो हमने फैसला लिया। पढ़ के बताइए उसमें से। हमने ये था, इसमें कार्यक्रम था कि जो भी हमारे गाँव के मिलिट्री पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, उन लोगों को सम्मानित करना था। और जो एक लड़का हमारे गांव का कारगिल में शहीद हो गया था, उसके फादर हर बार यहाँ झंडा फहराते थे, शिवचरण जी, उनकी देहांत हो गया दो महीने पहले, इसलिए उसकी जिम्मेवारी भी हम पे आ गई, उनको भी सम्मानित करना था हमें। लेकिन हमें जो है इसकी परमिट, 13 तारीख को हम गए थे वहाँ डीएमएस, इसके एसडीएम के पास, तो उन्होंने मीटिंग की रात को 9 बजे, हमने बहुत देर हमें जो है बिठाए रखा। पहले चार ये बताइए, ये ग्राम पंचायत है कि नगर निगम क्षेत्र में? ये ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत मुखिया पंच को आपने न्योता दिया था, प्रधान वगैरह को? प्रधान तो हमारी मीटिंग में है ही, मीटिंग में ही है, तो हो गया, तो सारे लोग उन्होंने पैसे भी दिए हैं, वो सारे चीज है। नहीं नहीं, एसएसपी कौन है? उनसे बात हुई थी भास्कर मिश्रा? हाँ, मेरी बात हुई थी जी। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि ये जो परमिशन है, ये देखो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें शासन से पीछे जो ये आदेश आया है कि हम परमिशन नहीं देंगे, और आप एसएसपी से सीधी बात कर लोगे तो अच्छा होगा। एसएसपी से किया बात आपने? नहीं, हमने एसएसपी से बात नहीं किया। थोड़ा आगे आइए। आजादी का दिवस मनाने के लिए क्या पर्पस लिख के दिया था आपने, बताइए उसे, पढ़ के बताइए पर्पस क्या है। ध्वजारोहण और शहीद सम्मान। तो इसके लिए परमिशन की जरूरत थी क्या? नहीं, जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी इसलिए किया कि कोई हमारे ऊपर कोई एक तरह अपेक्ष ना आए कि आप ऐसा कर रहे हैं। पुलिस यहाँ, पुलिस बल आया था, पुलिस बल ने आके हमारा टेंट उतरवा दिया, सारा काम कर दिया। हाँ जी, आपको बंद कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, इसे उतरवाइए। इंस्पेक्टर सेना ने मुझसे खुद बोला कि यदि आपने 13-14 आदमियों से ज्यादा बुला लिए तो मैं आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखूंगा। अभी तो ज्यादा है, तो 15-20 तो बहुजन मीडिया वाले हैं। उसने बोला कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखूंगा, तो फिर मैंने उन्हें ये सरकार का आदेश दिखाया कि जो सरकार के आपके जो मुख्य सचिव है यूपी सरकार के, उनका ये आदेश आप इसे पढ़ लीजिए, और इसमें आइटम नंबर 5 है। मैंने उन्हें पढ़ के दिखाया कि हम जो चीज मांग रहे हैं वो चीज इसमें है, तो आप हमें परमिशन देने के लिए क्या क्या दिक्कत कर रहे हैं, इसमें कौन सी मुश्किल होगी? और ये दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव की तरफ से है? हाँ जी, ये हमने नेट से अपलोड किया था। अच्छा,
चलिए तो आपका टेंट उखाड़ दिया, कार्यक्रम नहीं होने दिया। जी 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 जी, जी। मतलब नहीं मनाने दिया। जी जी, तो फिर हमने अपील भी डाल दी है जी। वो प्रधानमंत्री जी ने आज परिवारजनों कहा है सबको, आपकी कमेटी क्या प्रधानमंत्री को होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेगी? बिल्कुल लिखेंगे। मेरा तो ये है कि हम जो है पोस्ट कार्ड से भेजें, पोस्ट कार्ड भेजें कम से कम 1,00,000 लोग। हाँ। सारे लोग भेजें पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस यही बात। ये सारे लोगों से मैं तो आह्वान करता हूँ कि सब जो है पोस्ट कार्ड भेजें, 15-15 पैसे का आता है वो, सब अपने अपने राष्ट्रपति को और जो है चीफ जस्टिस को भेजें। माने साहब आप तो बहुत दूर से आए हैं, आप दूर से आए हैं बहुत, और क्या देखा आपने यहाँ, क्या चल रहा है माहौल? ये आज़ादी के दिन बड़े अचंभे और अनूठी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ 20% दलितों की आबादी है, बाबा साहब मानने वाले लोगों की आबादी है, और वह भी बुलंदशहर जैसा जिला जहाँ से मायावती जैसे नेता भी पैदा हुई है, ऐसे बुलंदशहर के ज़िले में आज़ादी का दिन मनाने को प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से अगर पाबंदी लगती है तो उसका जितना भी धिक्कार किया जाए, जितना भी उसका प्रोटेस्ट किया जाए, निषेध किया जाए, उतना ही कम है। ये एक तरफ पुलिस की लगभग एक तरफा कार्रवाई कहते हैं, जिसको एक डिक्टेटोरियल रूल कहा जा सकता है। ये डिक्टेटोरियल रूल के तहत ये प्रोग्राम को मना करना, ये दर्शाता है कि मोदी और योगी सरकार का जो तरीका है कि वो एक तरफ हुकुमशाही प्रवृत्ति का होता है, और ये हुकुमशाही के तहत ये उन्होंने आज के प्रोग्राम को तहस नहस किया। ये उत्तर प्रदेश के समस्त अंबेडकरवादियों का अपमान है, देश के अंबेडकरवादियों का अपमान है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए चाहे आप मीडिया हो या बाहर के लोग आए हो या मेरे देश से दूर से चलकर लोग पहुँचे हैं, तो उसका एक पर्पस था, उस पर्पस को नाकाम करने में यहाँ के पुलिस कर्मियों ने ये काम किया है। उसकी जितनी कड़ी निर्भर्सना करनी है उतनी कम है, के लोकल लोग हैं, कमेटी के लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये स्तंभ बनाया है, एक मेमोरियल बनाया है, तो मेमोरियल से इतनी योगी सरकार डरती क्यों है ये समझ में नहीं आता। और इसलिए ये प्रोग्राम भले आज नहीं हुआ लेकिन भविष्य में बड़ी ताकत के साथ भी तो हो सकता है और उसका कड़ा जवाब दिया जा सकता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, माने साहब जो हैं वकील भी हैं, प्रोफेसर हैं, लॉ के प्रोफेसर हैं, हमारे साथ फॉर्मर DGP और उनकी वाइफ मैडम भी हैं यहाँ पर, और पुलिस का जो रवैया है, फॉर्मर DGP से बात करता हूँ कि क्या जो पुलिस की कार्रवाई आज हुई है क्या कानून संगत है? आप दिल्ली से आए हैं, ऐसा है कि जैसा कि जो आज यहाँ की जो बहुजन क्रांति स्तंभ की जो कमेटी है उनके अध्यक्ष श्री रूपनाम जी ने अभी बताया है कि उन्होंने एक अप्रोप्रिएट कानून के अनुसार एक परमिशन मांगी है यहाँ पे कार्यक्रम करने की, या तो प्रशासन जो है उस परमिशन को एक कानून के दायरे में रहकर डिस्पोज ऑफ करता, कहता कि भी रीजन देता विद रीजन, यहाँ तो रिसीविंग भी नहीं देता है, यस रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कि आपकी जो परमिशन है डिनाई की जाती है। ये तो होता है एक एक प्रजातांत्रिक देश का संवैधानिक रवैया। लेकिन ये जो हमारा टेंट वाला है वो अपनी यहाँ पे टेंट लगा रहा था, कुर्सियाँ लगा रहा था, उसको थाने में बुलाकर धमकाना, उसको अंदर करने की धमकी देना और टेंट उखाड़ देना, और हमारे लोगों को इधर उधर से धमकियाँ दिलाना, और हमारे इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनको धमकाना, उनकी छुट्टी कैंसिल करना, ये करना, तो ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य इस योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने किया है। और जो मैं तो ये कहूँगा कि ये न केवल एक अम्बेडकरवादी समाज, बहुजन समाज की बेइज्जती है बल्कि पूरे देश के नागरिकों की बेइज्जती है, क्योंकि जो परमिशन में है मांगा गया है वो ध्वजारोहण की परमिशन मांगी गई है, और जिसके लिए पहले से ही आदेश निहित हैं, यहाँ पर मौजूद हैं चीफ सेक्रेटरी के, तो ध्वजारोहण की परमिशन ना देना तो पूरे देश के लोगों की भी एक बेइज्जती है, एक इंसल्ट है, ना केवल अंबेडकरवादी समाज की इंसल्ट है। तो इस रवैये के विरुद्ध हमें न्यायोचित कदम उठाने चाहिए, जैसा कि रूपराम जी ने कहा कि हमें राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मुख्यमंत्री को लाखों की संख्या में हमें लिखने चाहिए लेटर। और मैं बहुजन समाज के सभी आंदोलनकारियों को आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और RSS वो जिंदगी में भविष्य में कभी वोट ना दें और इनको पूरा हरवाने की कोशिश करें, चाहे किसी को भी जितवाएं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और RSS की सरकार है इनको तो बिल्कुल हरवाने की कोशिश करें, और इनके जो हमारे MP और MLA हैं उनका घेराव करें यदि वो गांव में आते हैं। भाई हमारे हकों के रिप्रेजेंटेटिव आप हो, हमें हक दिलाने वाले रिप्रेजेंटेटिव हमारे आप हो, तो आप अगर हमारे हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको रहने का क्या हक है इसमें? 131 हमारे MP हैं, कितने 1100 से ज़्यादा हमारे MLA हैं पूरे देश के अंदर, तो कर क्या रहे हैं? और इसमें आज नहीं तो कल यहाँ पे जैसे कि माने साहब ने कहा
कि यहाँ पे जमावड़ा लगेगा, हमारा समाज यहाँ पर आएगा और हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ करेंगे, परमिशन लेके भी करेंगे, अगर नहीं परमिशन देंगे तो बिना परमिशन के भी करेंगे, धक्काशाही भी करेंगे, जो होगा देखी जाएगी। जी मैं यहाँ जो आयोजक हैं उन्होंने कहा कि पूरा टेंट उखरवा दिया गया है, खाने में टेंट लगा हुआ तो वहाँ भी उखरवा दिया है, और यहाँ का थानेदार SDM और SSP जी किसी ने मतलब कार्यक्रम होने ही नहीं दिया जी। तो दलितों की आज़ादी पूरी है या आधी है सोचना आपको है, जरूर पत्र लिखिए प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को जरूर पत्र लिखिए कि ये आज़ादी दलितों की भी आज़ादी है कि किसी और सिर्फ किसी और के लिए। शुक्रिया।